न्यू ब्लॉग। अच्छा जी, सारी सी बात है, संडे है और आपको मैं अपनी बेबो के साथ ही मिलूंगा। नहीं, और पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि इसका कुछ क्लच का मसला है, उन्होंने ईमेल शीमेल ठोकी हुई या कहीं कराची, तो वो अभी मुझे कल कॉल आई थी कि भैया आ जाए। मैंने कहा भाई संडे को ही आ सकता हूँ, उसके आगे पीछे नहीं आ सकता। अच्छा, तो अभी मैं निकला हूँ, नाश्ता वाश्ता कर लिया और नाश्ता करके अभी एक ये नया मसला बन गया, ओवन खराब हो गया, इसको चेक कराना है, वो देते हैं, वो दे के तो फिर चलेंगे सुजुकी शोरूम। अब उन्होंने बुलाया, जाके देखते हैं क्या रोल है, क्या मुसीबत नहीं डालते हैं क्लच वाली, देखते हैं। इसका क्लच थोड़ा इशू कर रहा है अभी भी ना, लग रहा है मुझे। हाँ, तो बस चलते हैं, देखते हैं जाके क्या खर्चा होता है और क्या उनके पॉइंट्स हैं जो बताते हैं वो हमें इसके बारे में, क्लच के बारे में। मिलते हैं आपको वहाँ पे। जी तो भाई लोग, 19,999 किलोमीटर इसको मैंने चला लिया है और अभी ये बस 20,000 होने वाली है और इसको सिर्फ एंड सिर्फ मैंने ही चलाया है 20,000 किलोमीटर, ओनली ड्रिवन बाय कुंवर चौधरी। इतनी खुशी। और बस अभी 20,000 हो जाएंगे, खाता हूँ मैं आपको, ये हो जा। और 20,000 होने वाले हैं, चल भाई। अभी हो जाएंगे 20,000। 20,000 किलोमीटर्स ड्रिवन ओनली एंड ओनली बाय उमर चौधरी। दरान भी लेकर गए थे, इस्लामाबाद भी गई है, मुल्तान भी गई है, लाहौर भी लेकर गया था मैं इसको। और ये लें जी, 20,000 किलोमीटर ओनली एंड ओनली ड्रिवन बाय मी, मेरी बेपो 20,000 चल गई है जनाब। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, पहुंच गया हूं मैं डॉलर्स के सर्विस सेंटर, पता नहीं खुला है कि नहीं खुला है, ये रहा देखते हैं। आई थिंक खुला होना चाहिए भाई। हाँ, यस खुला हुआ है। ओके, इसको चेक करवाते हैं अभी, ये रहा डॉलर्स का क्या नाम है सेंटर, अभी इसको ओवन को चेक करवा देता हूँ फिर चलते हैं आगे सुखी की तरफ। 20 minutes later. अगर ओवन तो चेक कराया पर उसमें कोई रोल आ नहीं है। वो कह रहे हैं जी बिल्कुल ठीक है, ये आपको वहम लग रहा है, ये ठीक है। और प्लेट जो ट्रे होती है उसके अंदर जो पड़ी होती है शीशे वाली वगैरह, उसके साथ जाके दोबारा चेक करो, अगर फिर भी आवाज़ आ रही है तो फिर पूरे का पूरा लेके आना, ट्रे भी साथ लाना। तो अभी तो कोई आवाज़ नहीं थी, अभी तो बिल्कुल ठीक चल रहा था। अब वापस लेके जा रहा हूँ, पहले चलते हैं सुजुकी, वहाँ पे गाड़ी को चेक करा लें, फिर चलते हैं घर, फिर उनको दिखाते हैं, जाके टेस्ट करते हैं, फिर वापस लेके आएंगे अगर कोई मसला हुआ तो, वरना फिनिश क्लास। हेलो जी, तो भाई लो सुजुकी शोरूम हम आ गए हैं, ये रहा सुजुकी शोरूम। तो बस अभी एंट्री मारते हैं, पता करते हैं क्या सीन है क्या नहीं है। ये आ गए हम सुजुकी शोरूम, ओ ये तो आज भी देरी खड़ी है, लेट्स सी क्या कहते हैं ये लोग। जी वो कह रहे हैं जी गियर खोलना पड़ेगा, उसको चेक करेंगे अभी ये लोग, ये लगा रहा है गाड़ी, देखते हैं और क्या करता है। जी भाईजान, ये लग गई है ऊपर, इसके स्टैंड भी ऊपर उन्होंने खड़ा कर दिया, अभी कह रहा है कि कम से कम की तीन घंटे लगेंगे। तो अभी देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं, लगा तो हुआ वो स्टार्ट हो गया ठीक है, तो गियर खोलेगा अभी देखते हैं, साफ साफ से दिखाते भी हैं। ये लोग वो पीछे खड़ी है हमारी आल्टो बेबो सॉरी, और ये लोग बोल रहे हैं कि अभी 3 घंटे लगेंगे, तो आप बैठें, चाय आ रही है, चाय पीते हैं। और वो भाई लगा हुआ काम कर रहा है, गियर बॉक्स खोलना कह रहा है जी। बाकी मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई वारंटी वाइट वगैरह, कहता नहीं हम खुद ही खोल रहे हैं, हम तो वारंटी वाइट करेंगे, हमारा का मसला है कि हम काम, हमारा काम ये है कि मसला रिजॉल्व कराना, आगे मसला बढ़ाना। तो क्या नाचोगे?
ठीक है करें, बैलन वो लगे हुए हैं। जान सुजुकी वाले छा गए, सुजुकी वाले, ग्रीन टी इज हेयर। अभी हम पियेंगे ग्रीन टी और फिर बाहर जाके देखेंगे कि भाईजान क्या कर रहे हैं। ओवर टू ग्रीन टी। ये है ऑल न्यू सुजुकी स्विफ्ट, कल्टस खड़ी है, डब्बा और रावी खड़ा है, ये वैगनार खड़ी है। भाईजान वैसे गाड़ी ये भी हल्की नहीं है, ये वाला जो है वो मैनुअल वेरिएंट है, ये ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक में ऑप्शन ज़्यादा हैं। ये देखें ऑटोमेटिक में ऑप्शन इसकी निस्बत तो ज़्यादा हैं, बट यार इनमें ना एक चीज़ मैंने देखी है जिसमें ना आर्म रेस्ट नहीं है मेरे ख्याल से, लेट मी चेक। हाँ इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है आर्म रेस्ट। सुजुकी वाले विटारा में भी नहीं देते, हैरानी वाली बात चेक करें, सुजुकी वाले विटारा में भी आर्म रेस्ट नहीं देते, क्या बात है। 2 hours later गेट पास, बाहर जाने का क्या कहते हैं उसको, बाहर जाने का पास, गेट पास यही कहते हैं, हाँ सॉरी। अच्छा जी काम हो गया भाईजान, उन्होंने यस कर दिए गाड़ी हमारी, अब अल्हम्दुलिल्लाह फिट लग रहा है क्लच। अभी हम जा रहे हैं घर, ओवन चेक करते हैं घर जाके, उसके बाद चलेंगे मार्केट के, एक दो काम हैं बाकी, काम मज़ेदार हो गया तो क्लच बहुत फिट लग रहा है, सॉफ्ट एंड ग्रेट फीलिंग रिलैक्स्ड विद ऑल माय सब्सक्राइबर्स। जी तो भाई लोग नहा लूँ के नमाज पढ़ ली है, फ्रेश हो गया हूँ, मछली की खुशबू आ रही है, नीचे जाके देखते हैं क्या होता है, मछली आई थिंक अभी जाके, हाँ मैं जाके दिखाता हूँ। जनाब आज हम खा रहे हैं फिश, और ये फ्राई किसने की है, मैंने, जो मुझे ऊपर खुशबू आ रही थी वो सही थी। फिश के साथ पराठा, केचप और ये परे परे, शाबाश। चलो भाई लोग अभी ऐसे पता क्या हुआ है, कमेंट बताता हूँ मैं क्या हुआ है। जो पिछले व्लॉग्स में आपने देखा होगा, टी टाइम वाले व्लॉग्स में, आई थिंक 13th व्लॉग होगा, उसमें आपने देखा होगा कि मैं टी टाइम के लिए काफ़ी सारी चीज़ें घर लेकर गया था, ऑलमोस्ट 500 की। तो अभी इन्होंने क्या किया, इन्होंने जनाब वो सारी चीज़ें रगड़ दी और डिसाइड ये हुआ था कि तीनों 500 देंगे तो मंथ का ना ये निकल जाएगा टाइम जो है टी टाइम के लिए सामान जो लाना था। आज मैं इनको ज़बरदस्ती ले गया, मैंने कहा मैंने 500 भरा है, वो तो आप लोगों ने गड़क कर दिए, अब अपने 500 निकालो और लेके चलो, अभी मैं दिखाता हूँ आप। आए बड़े, यस जी, वेट कर रहा हूँ बैठ के, इधर गई हुई है, इधर अपन वेट कर रहा है बैठ के, क्या कर सकते हैं, वेट ही कर सकते हैं। अच्छा चीज़ें ले ली हैं, वहाँ पे वीडियो बनाने लगा तो वो कहता सॉरी सर इट्स नॉट अलाउड यू नो, मैंने कहा भाई क्या हो गया, वो एक तो डर जाते हैं वीडियो बनाने लगे, पता वो अगले कहते हैं जी पता नहीं कोई चेकिंग वाले आ गए हैं, लगते हम फीचर लेवल पे हैं ना, तो फिर वो ऐसे लग रहा था। तो मैंने कहा ना यार ऐसे ना करो यार, कहता नहीं सॉरी सर इट्स नॉट अलाउड, मैंने कहा ठीक है बाहर में जब नहीं बनाता मैं वहाँ वीडियो नहीं बनाई तो वो मैं घर जाके दिखाऊंगा क्या क्या लिया हमने। बाकी अब ये अलमीरा गई हुई है, वेट कर रहा हूँ, आ जाएंगी तो फिर कोई नेक्स्ट रास्ता निकाल लेंगे जिधर जाना है, तो देखते हैं क्या कहती हैं, इनका तो नींद आ रही है। मेरे 500 की चीज़ आ गई थी पिछले हफ्ते, पिछले से पिछले हफ्ते ये इनके 500 की चीज़ें आई हैं। मज़ेदार ये मेरे वीटेबल हैं, बाकी ये इनके बिस्किट हैं, बाकी ये सारे खाएंगे, ये वाली चीज़ें सब खाएंगे, ये टपॉप्स हैं, ये आज लेके आए थे जो मैंने आपको दोपहर को बताया था, अभी वो गाड़ी से निकाली हैं चीज़ें तो आपको दिखा रहा हूँ।
ये अब इनके हिस्से का आ गया, इस महीने का खाता क्लियर हो गया। टू आवर्स लेटर मैं चिकन लेने भेज दिया है और खुद तुम समोसे रगड़ रही हो क्या? ये हम एक खाए और तुम दो खाए। ये तो कोई बात ना हुई। फर्स्ट टाइम मैं अपने व्लॉग में लेके आ रहा हूँ। अगर आप मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो मेरे यूट्यूबर दोस्त हैं, आप उनको कुछ कहना चाहेंगी तो बता दें। क्या कहें तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वो बेल आइकन भी दबाएं जो ग्रे हो जाएगा। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। फिर उसके बाद क्या होगा? आप लोग जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं करें। अच्छा और ये शर्ट पे क्या लिखा है? क्वीन। शक्ल देखी है क्वीन वाली? देखी हुई है। अच्छो